सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल टेक्नोलॉजी तिजक छः। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत ही खास हुए हैं। मीन्स मेनली हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं हमारे ऐसे फ़ोन्स जिनकी रैम मैनेजमेंट बहुत सही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ डिस्प्ले और बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में इसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल में वैसा कुछ नहीं बात करेंगे, बट हाँ सारी फ़ोन्स की कैमरेज भी अच्छी हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट मेनली जो हमारा फोकस होगा वो होगा रैम मैनेजमेंट, प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड बैटरी। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स 15,000 के अंदर में दी बेस्ट 5 हमारे गेमिंग फोन्स जो हैं उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाएँ, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो फिफ्थ नंबर पे जिस फ़ोन को हमने रखा है अपने बजट सेगमेंट में वो है हमारा वीवो का Z1 Pro। एक तो ये हमारे बजट सेगमेंट में आ जाता है, मीन्स इसका कॉस्ट है 15,990, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आ जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें यूज़ किया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बेटर है इस प्राइस सेगमेंट में। तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हो उस प्राइस रेंज में। बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले आपको मिल जाती है 6.53 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें। तो बिगर बैटरी, बिगर डिस्प्ले और साथ ही साथ बेटर रैम मैनेजमेंट, और आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर गेमिंग के लिए किसी फ़ोन को लेना चाहें तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने फोर्थ नंबर पे रखा है सैमसंग गैलेक्सी का M32, बिकॉज ये एक तो बिगर डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है, 6.5 इंचेस का बिगर डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, मीन्स बिगर डिस्प्ले, बिगर बैटरी, और यहाँ पे सैमसंग अपना एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज करता है। फ्रेंड्स आपको एक बात पता होगा कि अदर फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज करते हैं, लेकिन सैमसंग का अपना एक्सिनोस का प्रोसेसर है जो कि वो अपने हर फोन में यूज करता है। तो इसमें अपना सैमसंग ने यूज किया है एक्सिनोस 7904, तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है फ्रेंड्स। तो इस गेमिंग के लिए आपको कोई भी इसमें लैग नहीं देखने को मिलेगा, साथ में गेमिंग आप स्मूथली खेल सकते हैं, पबजी वगैरह गेम आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। ये फोन भी आ जाता है फ्रेंड्स 15,990 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में, ये भी फोन आपको मिल जाता है। तो इसीलिए हमने इस फोन को फोर्थ नंबर पे रखा क्योंकि इसमें आपको 1080+ की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है जिसकी क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद देखा है। तो इसमें डेफिनेटली वो फॉर इट, अगर आपको ये सैमसंग पसंद है तो सैमसंग अगर पसंद है तो इस प्राइस सेगमेंट में आप गेमिंग के लिए डेफिनेटली इस फोन को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में अगर रैम की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें भी आपको मिल जाता है 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज, में रैम मैनेजमेंट का भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड नंबर पे रखा है ऑनर के इंडेक्स को। यहाँ पे थर्ड नंबर पे रखने का एक रीजन था फ्रेंड्स कि पहला तो ये प्राइस सेगमेंट में बहुत ही एडजस्टेबल पे है, मीन्स इसकी प्राइस बहुत ही कम है, ये 11,000 में आ जाता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बात करें तो इसमें डिस्प्ले 6.5 इंच की बिगर डिस्प्ले मिल जाती है FHD+ रेजोल्यूशन के साथ में, और साथ ही में अगर बात करें रैम की तो रैम इसमें आपको मिल जाती है थोड़ी सी कम, और इंटरनल स्टोरेज भी थोड़ी सी कम मिलती है, बट इससे कोई इशू नहीं पड़ने वाला है। ये फोन बहुत ही अच्छा है प्राइस सेगमेंट में, अगर आप 11,000 के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस फोन को खरीद सकते हो। इसमें आपको मिल जाती है 4GB की रैम, साथ ही 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, और अगर बात करें बैटरी की यहाँ पे तो बैटरी आपको मिलती है 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है। और साथ ही अगर बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे ये ऑनर अपना प्रोसेसर यूज करते हुए, एज ऑलवेज आपको पता होगा ऑनर भी अपना प्रोसेसर यूज करता है, आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑक्टा कोर हेलिक्रन 710 ग्रेन का प्रोसेसर आपको मिल जाता है यहाँ पे। ये इसका ऑनर का अपना प्रोसेसर है फ्रेंड्स, सो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, इसका भी प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होगा। मैंने खुद यूज करके देखा है ऑनर का 9 मैंने यूज करा था, उसका रिव्यू आपको मैंने दिया था, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस फोन में। 11,000 में डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे दूसरे नंबर पे रखा है रियलमी 2 प्रो का।
इसको दूसरे नंबर पे रखने का हमारे पास एक रीजन है फ्रेंड कि ये हमारे बजट सेगमेंट में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। इसका प्राइस रेंज है 10,999 रुपीज़ मीन्स 11,000 रुपीज़। इट डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है कि इसका प्राइस कम है इसलिए ये फोन अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स। यही देखिए हमने इसको सेकेंड नंबर पे रखा है बिकॉज अब इसमें आपको मिल जाता है 6GB का रैम, साथ ही मिल जाती है 64GB की इंटरनल स्टोरेज, ये आता है 3500mAh बैटरी के साथ में, और साथ में इसमें आपको मिल जाता है 6.3 इंच की डिस्प्ले। डिस्प्ले थोड़ा सा कम है, कोई इशू नहीं है, फिर भी ये बिगर डिस्प्ले माना जाता है बिकॉज ये 6.3 इंचेस कम नहीं होते। अच्छी डिस्प्ले है, बड़ी डिस्प्ले है, 1080 प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आ जाती है, और साथ ही में आपको इसमें मिल जाता है 12 Octa-Core Snapdragon 660। बहुत खासू प्रोसेसर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, रखा है तो गेमिंग के लिए आप डेफिनेटली इसको बाई करते हैं तो 11,000 रुपीज़ में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एट लास्ट बात करते हैं आपके बेस्ट फोन की, उस फोन को जिसको हमने रखा है नंबर 1 पे गेमिंग के लिए, तो वो है हमारा वन एंड ओनली रेडमी नोट 7 प्रो। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिखने वाला फोन था, हमेशा जब भी आप सर्च करते थे उस टाइम में तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाता था। दी बेस्ट फोन उस टाइम में तो जब ये लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, इसका प्राइस रेंज था मे बी 16,000 to 17,000 था आई थिंक, मैंने भी परचेस करा था उस टाइम में। बट राइट नाउ अभी की अगर हम बात करते हैं, ये आपको मिल जाता है 12,000 रुपीज में। इसमें मिल जाता है आपको 6GB का रैम, साथ ही 128GB का इंटरनल स्टोरेज। तो रैम मैनेजमेंट में तो आपको पता ही है 6GB ओरिजिनल 128GB स्टोरेज, 48MP कैमरा के साथ में मिल जाता है आपको, 4K मिल जाती है इसमें 4K रिकॉर्डिंग, तो 4K रिकॉर्डिंग करने के लिए अच्छी स्टोरेज भी होनी चाहिए, तो स्टोरेज भी सही, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में मिल जाता है 6.3 इंच का LED प्लस डिस्प्ले, डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है इसकी, मैंने खुद यूज़ करा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाती है 12 का Octa-Core प्रोसेसर Snapdragon 675 जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही सही है, रैम मैनेजमेंट भी अच्छी, गेमिंग भी अच्छी, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी, प्रोसेसर का भी बहुत ही अच्छा यूज करा गया है यहाँ पे 675 Snapdragon Octa-Core का, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है गेम खेलने में, कोई लैगिंग आपको नहीं दिखने वाली यहाँ पे। साथ ही में बैटरी की बात कर लेते हैं तो 4000mAh बैटरी मिलने वाली है आपको यहाँ पे, और साथ ही में फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलने वाला है, लेकिन फास्ट चार्ज के लिए आपको फास्ट चार्जर बूस्टर केबल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है कंपनी की ओर से, आपको साइड से ही परचेस करना पड़ेगा कोई फास्ट चार्जर जिससे कि फोन फास्ट चार्ज हो सके। ऐसे में फास्ट चार्ज होती है कोई दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली 12,000 रुपीज़ में इस फोन को ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये प्राइस लेते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप अगर कनेक्ट नहीं हो पाए हमारे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, साथ ही अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो आप चाहते हो तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। फ्रॉम कोरोना अपने घर में ही रहें, ज़्यादा बाहर नहीं निकलें, अगर आपके एरिया में लॉकडाउन है तो कृपया करके बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।